सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, अभी आप लोग ऑडिट का पेपर दे के आए हो और फटाफट से परसों आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। हाँ जी अमित भाई, तो मैंने सोचा एक प्यारा सा गिफ्ट देता हूँ आपको और एक पीडीएफ के अंदर एफएम के सारे फॉर्मूले आपको एक साथ कवर करवा दूं। हाँ जी अमित भाई, तो फटाफट से ये 20-22 पेज की पीडीएफ है, मैंने अपने हाथों से सारे फॉर्मूले लिखे हैं अलॉन्ग विद द ट्रिक्स। फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बहुत ही कम टाइम में सबको रिवाइज कर लेते हैं। ओके अमन भाई, तो बाबा रेशियो के चैप्टर में मैंने पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको बोला था कि सर सबसे इंपॉर्टेंट ना मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। ओके, तो कैसे स्टार्ट होगा? सर सबसे पहले सेल्स। देखो एक बात याद रखना, क्या रेशियो चैप्टर के लिए रेशियो चैप्टर के लिए सिर्फ एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बाकी चैप्टर्स के लिए एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो इस एक चैप्टर के लिए अलग प्रॉफिट एंड लॉस और बाकी 8 चैप्टर्स के लिए अलग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है अमित भाई, समझ गया, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबसे पहले सेल्स। हाँ, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड माइनस, मतलब जनरली हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो भी सामान को बनाने के लिए लग गई। ओके अमित भाई, जैसे ही माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके अमित भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन सबसे पहले एक ही चीज माइनस कर देते हैं, कौन सा? हमारे पास जितने भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तीन तरह की ऑपरेटिंग कॉस्ट, कौन कौन सी अमित भाई? एडमिन की, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की। माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, बच जाएगा क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डन। यहां से आप एक बार नीचे आओगे, मैंने आपको बोला था सर सुनो ना, क्या कैसे लोगों को पेमेंट करी जाती है? फर्स्ट में हमेशा हमारा विनर होता है डिबेंचर, जिसको सबसे पहले पेमेंट करी जाती है इंटरेस्ट की। उसके बाद सरकार तो साडे अपनी है, सरकार को पेमेंट करेंगे टैक्स का। उसके बाद प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड का और इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड का। तो देखो बाबा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट करी, आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स की पेमेंट करी, आ गया अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट करी, आ गया हमारे पास earnings available to equity shareholders। उसमें से अपन dividend देना है तो दे दो, नहीं मन तो मत दो, बच जाएगा हमारे पास retained earnings, done। हाँ, अब मैं यहां से आपको फटाफट से formula start करवा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार balance sheet देख लो। balance sheet कैसी है अमित भाई? इस तरफ सारे एसेट आएंगे। देखो मैं सार्थक सर का वो बदमाश स्टूडेंट हूं जो क्या करता है, सर मैं सर वाली फॉर्मेट नहीं फॉलो करता, मैं टी फॉर्मेट बना देता हूं। इस तरफ सारे एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इस तरफ इक्विटी और हमारी बाकी नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटीज। गाइस एक बात ना आप लोग बहुत प्यारे तरीके से समझ के रखना, बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल का मतलब सारे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। मैंने बताया था कैपिटल का मतलब इक्विटी, रिजर्व्स, प्रिफरेंस और आपका डिबेंचर, चारों हमारे कैपिटल कहलाएंगे, डन। डन अमित भाई, शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब क्या होता है? तीन चीज आती है इसमें, बता दो कौन कौन सी अमित भाई? एक तो इक्विटी आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं, माइनस कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बदमाश आदमी अपना, मैंने बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या एक्यूमुलेटेड लॉसेस, माइनस करते हैं। नेटवर्थ, नेटवर्थ किसको बोलते हैं? देखो गाइस एक बात समझना, बहुत लोग मुझसे बोलते हैं अमित भाई अपने को ना शेयर होल्डर्स फंड में और नेटवर्थ में फर्क समझ में नहीं आता। देखो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और वो जो माइनस करते थे। नेटवर्थ का मतलब भी होता है इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस भी ऐड कर देते हैं अगर दिया होता है तो। लेकिन गाइस पता है शेयर होल्डर फंड्स का मैं आपको एक बार मतलब समझाना चाहता हूं। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब कितना पैसा मालिक का है, अपन कैलकुलेट करते हैं इस तरफ से कैलकुलेट करोगे। हाँ जी अमित भाई, कितना पैसा मालिक का है? मालिक का इक्विटी है, रिजर्व है, ये पैसा मालिक का है। तो अगर इस साइड से कैलकुलेट करना है तो शेयर होल्डर्स फंड। और अमित भाई नेटवर्थ किसको बोलते हैं? नेटवर्थ का मतलब होता है सर अगर आप सब लोगों को पेमेंट कर दो, ये रहा डिबेंचर, लोन, क्रेडिटर, ये वो, इन सारे लोगों को अगर आप पेमेंट कर दो, हाँ जी अमित भाई, तब आपके पास कितना पैसा बचता है वो अलग बात है कि सर अगर आप इन सब लोगों को इन सब के पैसे से ये पेमेंट आप कर दो तो बचेगा आपके पास यही अमाउंट, लेकिन कहने का तरीका बस अलग है। दोनों शेयर होल्डर्स फंड और हमारे पास नेटवर्थ सेम होता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब मालिक का कितना पैसा है और नेटवर्थ का मतलब सर फिक्स्ड एसेट से अगर आप सारी लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी भी डिबेंचर भी पेमेंट कर दो तो क्या बचेगा, डन। हाँ जी अमित भाई, अब आ जाओ फटाफट से आप लोग फॉर्मूलेस के ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सर सुनो ना, कौन सा, जूम करने दो इसको। हाँ, सबसे पहला फॉर्मूला बताया था मैंने प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे। मैंने बोला था सर कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा।
कोई भी इससे आप निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट, सीओजीएस, प्री टैक्स, सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो। एक बात याद रखना, क्या तीन चीजों में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मतलब ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन तरह के, एडमिन, सेलिंग, ओवरहेड, तो एडमिन, सेलिंग, ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स। और अगर ऑपरेटिंग रेशियो पूछे, सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओनली ऑपरेटिंग रेशियो पूछे, मतलब हो जाएगा आपका सीओजीएस प्लस एडमिन प्लस सेलिंग प्लस ओवरहेड्स, ये तीनों खर्चे डिवाइडेड बाय सेल्स। डन, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आने वाली, परफेक्ट। अब मैंने बोला था सर रिटर्न वाले रेशियोज क्या, मैंने बोला सर सुनो ना, क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया, व्हाट आई अर्नड डिवाइडेड बाय व्हाट आई इन्वेस्टेड, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों ने क्या कमाते हैं सर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। कैपिटल, सब लोग मिलके क्या कमाते हैं, ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डन, कभी कभी आईसीआई ईबीआईटी माइनस टैक्स भी कर देता है, हम क्या करके आए भाई, आप ईबीआईटी लेके आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट्स, सब लोगों ने जो एसेट लगाए थे उस पे क्या कमाया, ईबीआईटी माइनस टैक्स याद रखना डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स या एवरेज एसेट्स। एवरेज हम तब यूज करते हैं जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के बने। डन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आपने क्या लगाया था क्या कमाया, सर मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट मिला, मैंने 1000 रुपए लगाए थे, 10% आंसर आ गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीएस अपने को पता है, अर्निंग पर शेयर, डीपीएस पता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब सर अगर आप 100 रुपए की अर्निंग कमा रहे हो तो डिविडेंड कितना बांट रहे हो, सर मैंने 100 कमाया 60 रुपए डिविडेंड बांट दिया, तो 60% इज माई डिविडेंड पे आउट रेशियो। और सर सुनो ना, जितना आपने नहीं बांटा ना, सर मैंने 100 रुपए कमाए, अब देखना दो तरीके से निकल सकता है, सर मैंने टोटल 100000 रुपए कमाए थे, उसमें से 60000 रुपए बांट दिए, 60% बांट दिए, या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, और अगर मैं पर शेयर की बात करूं, सर मैंने 10 रुपए पर शेयर ईपीएस कमाई थी, मैंने 6 रुपए बांट दिया, तब भी डिविडेंड मेरा आएगा कितना, 60%। और जो 40000 आपने नहीं बांटा उसको बोला करते हैं अपन रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेंशन रेशियो, कितना परसेंट अपन ने नहीं बांटा। डन, डन। एक मैंने आपको बताया था सर यील्ड रेशियो किसको कहते हैं, यील्ड रेशियो का मतलब सिंपल, जिसका भी तुमसे यील्ड मांगे ना, नीचे एमपीएस लिख देना, ऊपर उसका नाम लिख देना। अर्निंग यील्ड रेशियो बोलेगा तो ईपीएस बाय एमपीएस, डिविडेंड यील्ड रेशियो बोलेगा तो डीपीएस बाय एमपीएस, करके आ जाओगे? हाँ जी अमित भाई, करके आ जाएंगे। फटाफट से इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करवाने की ट्राई कर रहा हूं, तो अपन फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। फिर बोलता है सर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मैंने बोला सर प्राइस का मतलब एमपीएस, अर्निंग्स का मतलब ईपीएस, तो एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, दैट्स इट। नेक्स्ट, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, मैंने आपको बोला था सर सुनो ना, टर्नओवर रेशियो का मतलब ऊपर लिख देना सेल्स, नीचे लिख देना जिस किसी का टर्नओवर मांगा है, तो आप निकाल सकते हो सर फिक्स्ड एसेट्स का टर्नओवर, कैपिटल का टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर, करंट एसेट्स का टर्नओवर, टोटल एसेट्स का टर्नओवर। लेकिन इसमें 4 बदमाश थे जो अलग अलग थे, कौन कौन सा सर सुनो ना, कभी भी अगर आप डेटर्स टर्नओवर निकालना चाहते हो ना, तो ऊपर सेल्स की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्रेडिट सेल्स, तब नीचे लिखना पड़ेगा डेटर्स। अगर आप क्रेडिटर्स का टर्नओवर निकालना चाहते हो ना, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। अगर आपको सर आरएम कंज्यूम्ड का निकालना है ना, तो ऊपर लिखना पड़ेगा आरएम कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल रॉ मटेरियल। और अगर कभी भी मान लो गलती से आप निकालना चाहते हो सर इन्वेंट्री टर्नओवर, तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा सीओजीएस, तब डिवाइड करना पड़ेगा टोटल या एवरेज इन्वेंट्री से। डन अमित भाई, टोटल इन्वेंट्री कब लेंगे, जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ना दे रखा हो, सिर्फ क्लोजिंग हो तब टोटल ले लेना, और अगर दोनों दे रखा होगा तो एवरेज निकाल के आ जाना। डन, डन, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। उसके बाद कवरेज रेशियोस, कवरेज रेशियोस तो और आसान था, मैंने आपको बोला सर सुनो ना, मेरे को क्या कवर करवाना है उसको लिख दो नीचे, और किससे कवर करवाना है वो ऊपर आ जाएगा। सर इंटरेस्ट कहां से मिलता है आपको, वो मिलता है ईबीआईटी से, तो सर इंटरेस्ट को कवर करेगा ईबीआईटी। प्रिफरेंस डिविडेंड आपको कहां से मिलता है अमित भाई, प्रिफरेंस डिविडेंड मेरे को मिला करता है कहां से अमित भाई ये तो मिलता है अपने को अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से, तो सिंपल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रिफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड आपको कहां से मिलता है सर, ये मिलता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से, इसको कवर करवा दो यहां से, बात खत्म। कहां से उसकी पेमेंट हुई डिवाइडेड बाय किससे कवर करवाना है। डन, इसमें इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, क्या था अमित भाई,
फिक्स्ड चार्जेस या डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अपन फिक्स्ड चार्जेस में ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट तो लिखेंगे ही, और प्रिंसिपल लोन की कितनी पेमेंट कर रहे हैं, डन। हाँ जी अमित भाई, सॉल्वेंसी रेशियो बहुत इजी था, करंट रेशियो सीए माइनस सीए डिवाइड बाय सीएल। क्विक रेशियो, अमित भाई याद होता है कि दो आइटम्स माइनस करते हैं, कौन सी दो आइटम ये नहीं याद हो पाता, चलो मैं बताता हूं। मैं सीए अमित शर्मा पब्लिक इंटरेस्ट में शपथ खाता हूं, बोले तो मैं सीए, सीए मतलब करंट एसेट्स दो, पब्लिक इंटरेस्ट में पी से प्रीपेड एक्सपेंसेस, आई से इन्वेंट्री, ये दोनों माइनस करके आएंगे, बस डन। डन अमित भाई, बाकी सब सारे सिंपल है, कोई भी दिक्कत का फॉर्मूला नहीं आएगा आपके पास। ड्यू पॉइंट एनालिसिस बहुत इजी था, रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल सिंपल होता था, अमित भाई क्या कमाया डिवाइड बाय क्या लगाया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय अपन करते थे क्या, जल्दी बता दो अमित भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन उन्होंने उसको तोड़ तोड़ के तीन फॉर्मूले बना दिए, क्या, नेट प्रॉफिट हाँ, एसेट्स टर्नओवर हाँ, और इक्विटी मल्टीप्लायर, बता दो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा रेशियो का चैप्टर खत्म हो जाता है। अब लिवरेज, लिवरेज में गाइस बस एक दिक्कत आएगी, बता दो कौन सी, हमने एक चीज बदली है बस, यहाँ पे याद करो, रेशियो वाले चैप्टर में हम लिखते थे सेल्स, ठीक है, माइनस सीओजीएस आता था ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करते थे अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आता था मेरे पास ईबीआईटी। यहाँ पे सीओजीएस मैंने बोला था ना वेरिएबल खर्चा होता है, तो लिख दो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, आ जाएगा आपके पास ईबीआईटी, सॉरी ईबीआईटी बोलता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा ईबीआईटी। और जैसे यहाँ पे ईबीआईटी आ गया, वापस से अपन वही फॉर्मेट चालू कर देंगे यहाँ पे बनाना, डन डन। बहुत लोग बोलते हैं अमित भाई मेरे से याद ही नहीं हो पाता कि सर लिवरेज का फॉर्मूला कौन सा होने वाला है, तो देखो मैं लिवरेज का फॉर्मूला आपको याद करवा देता हूं कैसे। अगर कभी भी रेशियो के टर्म्स में पूछेगा ना कि अमित भाई रेशियो के टर्म्स में बता दो लिवरेज का फॉर्मूला, हमेशा याद रखना, पहला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दूसरा प्रॉफिट, पहला प्यार हुआ है ना, पहली बार हुआ है, पहला प्यार बलिए होया मुझे यार बलिए, कैसे, ये देखो पहला प्रॉफिट कौन सा आया अमित भाई, कंट्रीब्यूशन, दूसरा प्रॉफिट कौन सा आया, ईबीआईटी, तो बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब सर मैं इसको एक बार तो पहला बोल चुका हूं, अब दोबारा इसको पहला नहीं बोलूंगा, तो सर फाइनेंशियल लिवरेज के लिए क्या होगा, ईबीआईटी पहला प्रॉफिट, अगला प्रॉफिट ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, बताओ जिंदगी में तुम कभी नहीं भूल पाओगे, ऑपरेटिंग लिवरेज पहला प्रॉफिट बाय दूसरा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लिवरेज अमित भाई पहला प्रॉफिट डिवाइड बाय दूसरा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। और जल्दी से बता दो कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लिवरेज इनटू ऑपरेटिंग लिवरेज, सिंपल। अच्छा अमित भाई ये तो आपने याद कराया, मेरे को फटाफट से वो भी याद करा दो ना परसेंटेज वाला फॉर्मूला। लो बाबा कहां तुम पहुंच गए, कहां से तुमने स्टार्ट किया था, बोले तो अमित भाई सुनो कहां से तुमने स्टार्ट किया था वो नीचे लिखोगे, और कहां पहुंच गए वहां पे तुम लिखोगे ऊपर, कैसे अमित भाई बताओ, क्या तुमने सेल्स से स्टार्ट किया था, हाँ जी अमित भाई सेल्स से स्टार्ट किया था, तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तुम पहुंच कहां गए, अमित भाई अपन पहुंच गए ईबीआईटी पे, तो बस सिंपल सी बात है, क्या फॉर्मूला निकल के आया, देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हाँ अमित भाई ये तो मजा आ गया, नेक्स्ट देखो आप अब ईबीआईटी पे पहुंच चुके हैं ना, हाँ ठीक है, तो अब आप यहां से चालू करोगे और पहुंचोगे कहां पे अमित भाई, अपन पहुंचेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या ईपीएस की बात करते हैं लास्ट पे, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस जहां तुम पहुंच गए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जहां से तुमने स्टार्ट किया था, डन डन। गाइस एक बात याद रख लेना बस इस फॉर्मूले पूरे चैप्टर के अंदर, कभी भी आप कंबाइंड लिवरेज की यूज मत कर लेना ईबीआईटी या ईबीटी निकालने के लिए, कभी भी कंबाइंड लिवरेज का यूज मत करना अमित भाई, क्यों, अब आप मेरे से पूछोगे, क्योंकि इससे आंसर गलत आता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, परसों पेपर है, बस इतनी टिप याद रखना, कभी भी कंबाइंड लिवरेज का यूज मत करना ईबीआईटी ईबीटी निकालने के लिए। तो भाई क्या करेंगे, कंबाइंड लिवरेज से तुम सिर्फ फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लो बस, और एक बार फाइनेंशियल लिवरेज ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लिया उसके बेसिस पे तुम बना लेना ईबीआईटी ईबीटी, पर कभी भी कंबाइंड लिवरेज का यूज मत करना। ओके अमित भाई नहीं करेंगे, पक्का वादा, कसम तो नहीं तोड़ोगे, खाओ विद्या कसम, हाँ विद्या कसम। चलो कैपिटल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में जनरली कोई भी आपके पास फॉर्मूला है नहीं एक फॉर्मूले के अलावा, इस पूरे चैप्टर में वो रोते रहेंगे कि सर सुनो ना मुझे पैसा उठाना है, किस फॉर्म में उठाऊं, इक्विटी उठाऊं या क्या उठाऊं, वो मेरे को बोलता है, ठीक है अमित भाई, तो अपन एक चीज पे फोकस रखेंगे सर, वो वाले तरीके से फॉर्म पैसा उठाना
जहां से आपका एंड में ईपीएस मैक्सिमम आ जाए या फिर आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आ जाए। डन अमित भाई, याद रहेगा। इसमें बस एक ही क्वेश्चन था कि सर एक ही फॉर्मूला आता है कि इन डिफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं। मैंने बोला सर सुनो ना, जब आप बहुत सारे तरीके से पैसा उठाओ, मतलब अमित भाई मैंने थोड़ा सा उठा लिया, देखना मैंने क्या किया, मैंने 60% डेट लिया और लिया 40% इक्विटी। इस भाई साहब ने क्या किया, इस भाई साहब ने 30% डेट लिया, 40% ले लिया प्रेफरेंस शेयर और उसके बाद क्या लिया, 30% ले लिया इक्विटी। तो भाई आपको ऐसी ईबीआईटी बतानी है, आपको ऐसा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताना है कि इस केस में भी मैं ईपीएस निकालूं तो मेरा सेम आ जाए, इस केस में भी अगर मैं ईपीएस निकालूं तो मेरा सेम आ जाए। तो गाइस एक बात बताना, देखो चलो मान लो दोनों केसेस में क्या मैं कैसे वो ईबीआईटी निकालूंगा। चलो एक काम करो, दोनों केसेस में ना ईबीआईटी सेम है तो ईबीआईटी को एक्स मान लो, ऐसी ईबीआईटी जहां पे मेरे पास दोनों केसेस में क्या आएगा, मेरे पास दोनों केसेस में ईपीएस सेम आएगा। चलो एक काम करना, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन नंबर वन, सर यहां पे मैंने 10 लाख का इक्विटी रखा है, ठीक है 10 रुपए की 1 लाख इक्विटी शेयर्स, और क्या रखा है 4 लाख का डिबेंचर्स रखा है। एक काम करो ना, 10 रुपए का 1 लाख, ठीक है, और 10 लाख डिबेंचर्स रखे हैं, कितने 12% के रेट वाले। ऑप्शन नंबर टू ले लो, ठीक है मैंने क्या रखा है 10 रुपए के 8 लाख इक्विटी, 8 लाख नहीं 80,000 इक्विटी शेयर्स रखे हैं, 8 लाख रुपए ये हो गए, ठीक है मैंने 12 लाख रुपए, चलो 12 नहीं 8 लाख रुपए का डिबेंचर रखा है 12% के रेट पे, ये हो गया इक्विटी, ये हो गया डिबेंचर, और बाकी कितना बच गया, ये हो गया 8 लाख 8 लाख 16 लाख, 4 लाख रुपए इंटू 10% का मैंने प्रेफरेंस शेयर रखा है। तो सर यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना, बस ईबीआईटी को एक्स मान लेना। ये देखो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पूरे पे टैक्स माइनस करो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, पूरे पे टैक्स माइनस करो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो दोनों का आपका ईपीएस आ जाएगा। दोनों ईपीएस को बराबर करके दिखाना है, बस बात खत्म। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट, सर ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। तो अगर मैं फाइनेंशियल बीईपी की बात करूं, मतलब सर ऐसा आप ईबीआईटी बता दो मेरे को, तो ऐसा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बता दो जिसमें आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बराबर हो आपके इंटरेस्ट के और प्रेफरेंस डिविडेंड के। पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो टैक्स के बाद मिलता है, तो उसको टैक्स से पहले कर दो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, ये हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। डन। हाँ जी अमन भाई, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं आई, मैं फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं तो फटाफट से अपन फॉर्मूले पे फोकस कर रहे हैं। डन अमन भाई, अपना 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 3 चैप्टर्स हो गए, चौथा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। याद करो गाइस नेट इनकम अप्रोच, इसका अभी जब आज की क्लास में अपन क्वेश्चंस देखेंगे वहां पे फटाफट से अपन मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसका फॉर्मूला अपन ने बहुत प्यारे तरीके से डाल रखा है, पढ़ोगे एक बार में समझ में आ जाएगा, परफेक्ट। आर्बिट्रेज में आपको आज की क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, आज हम सुपर 30 करने वाले हैं, सुपर 30 क्वेश्चंस, उसमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करने वाला हूँ, साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप आराम से वहां से देख सकते हो और ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। आज की सुपर 30 पक्का अटेंड करना है, इस सुपर 30 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टकराने वाले हैं। ओके अमन भाई, डन डन डन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल गाइस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं चलो लाइफ मान लेता हूं इन्फिनिटी, तो गाइस सुनो, डिबेंचर का अगर लाइफ इंफिनिटी है तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा। सर डिबेंचर को मिलता क्या है, उनको मिलता है इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय P0 का फॉर्मूला होता है KD। तो सर अगर आपको KD निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय P0 कर दो, इसको उठा के ले जाओ ऊपर, इसको उठा के ले आओ नीचे। डन डन। सर अगर प्रेफरेंस की लाइफ इंफिनिटी है तब क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय KP आ जाएगा मेरा P0। तो अगर आपको KP चाहिए तो KP को ले आओ ऊपर, P0 को ले जाओ नीचे। और अगर यही इक्विटी की वैल्यू इनफाइनाइट है, लाइफ इनफाइनाइट है, तो क्या करेंगे अमित भाई, ऊपर लिख दो डिविडेंड, नीचे लिख दो KE, बात खत्म। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई अपनी यहां तक। और अगर लाइफ हमारी फिक्स्ड होती है तो सिंपल एक ही तरीका करते हैं, क्या याद करना देख लेना। सर डिबेंचर वालों को देते हैं हम इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, ठीक है, प्लस सर दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा रिडेम्पशन वैल्यू, आपको लाइफ के लास्ट में कितना मिलेगा, लास्ट में कितना पैसा मिलेगा, माइनस शुरू में कितना पैसा मिला था,
डिवाइडेड बाय लाइफ कर दो, इतना कर सकते हो। इंटरेस्ट प्लस लास्ट में कितना पैसा मिला माइनस शुरू में कितना पैसा मिला डिवाइडेड बाय लाइफ कर दो, कर दिया। अब रिडम्पशन वैल्यू सेम अमाउंट को ऊपर से नीचे ले आओ, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय टू, काम खत्म। हाँ जी अमन भाई काम खत्म, यही फॉर्मूला बनता है। यही फॉर्मूला अगर मैं प्रेफरेंस के लिए बोलना चाहूं तो सर प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है यही सब कुछ बाकी सेम रहेगा। अमित भाई डिविडेंड पे टैक्स क्यों नहीं माइनस करते? अरे बाबा इंटरेस्ट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, उसमें से दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। सर डिविडेंड तो पहले ही टैक्स के बाद मिलता है ना, तो उसमें से टैक्स क्यों माइनस करना? डन। हाँ जी अमित भाई, गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, जब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अमित भाई नेट प्रोसीड्स क्या लेना है वो समझा दो। एक सेकंड में बस पानी की बोतल ले आऊं, पानी पी लूं फटाफट से, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। एक सेकंड का टाइम दो बस मेरे को, इतना बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, बस एक सेकंड। जी अमित भाई, जी अमित भाई, जी अमित भाई, आजा आजा आजा। देखो बहुत लोग बोलते हैं अमित भाई इंस्टीट्यूट ने ना गड़बड़ कर रखी है। क्या गड़बड़ कर रखी है मैं वो भी बता देता हूं। बोलते सर ये जो रिडम्पशन वैल्यू तो हमें पता चल जाती है कि सर कितना आपको लाइफ के लास्ट में पेमेंट करना है, पर नेट प्रोसीड्स पता नहीं चलता। मैंने बहुत प्यारी ट्रिक निकाली सर, अगर कभी आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू दे रखा हो ना तो मार्केट वैल्यू ही मेरा नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। ध्यान से सुनना समझना, अगर सिर्फ मार्केट वैल्यू दे रखा है तो मेरा मार्केट वैल्यू ही नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। अगर आपके पास फेस वैल्यू और फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है तो फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना। बोलेगा सर 100 रुपये आपकी फेस वैल्यू और उसी का सर 2% है फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 2 रुपये माइनस कर देना, आ जाएगा 98 रुपये। बता दो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास मार्केट वैल्यू भी दे दे और सर फेस वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे दे तब क्या करूं? सर अगर आप IRR मेथड लगा रहे हो ना, IRR मेथड, तब आपको मार्केट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट करना है, और अगर डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। थोड़ा सा याद रखना मुश्किल है लेकिन याद रख लो एक बार समझने के लिए अमित भाई, क्योंकि इसका ना कोई ट्रिक नहीं बनता क्योंकि ICAI यूज करता है। मैंने वैसे ही 3-4 क्वेश्चन खंगाल के बहुत मुश्किल से ये कंसेप्ट निकाला। अगर मार्केट वैल्यू दे रखा है सिर्फ मार्केट वैल्यू मेरी नेट प्रोसीड्स, अगर फेस वैल्यू और फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है तो फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट मेरी नेट प्रोसीड्स। अगर आपके पास मार्केट वैल्यू फ्लोटेशन कॉस्ट फेस वैल्यू सब दे रखा है तो क्या करूंगा? अमित भाई अगर आप IRR मेथड यूज करते हो तो क्या करना, मार्केट वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब आपको क्वेश्चन देगा कि सर आपकी मार्केट वैल्यू या प्राइस है 100 रुपए, चलो 110 मान लेता हूं, फ्लोटेशन कॉस्ट है मान लो आपकी 2% और फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो सर तीनों दे दिया। हाँ अगर आप IRR मेथड यूज कर रहे हो तो आप यूज करोगे सर 110 रुपए माइनस 2% ऑफ 110, और अगर आप डायरेक्ट मेथड बोले तो सर ये RV माइनस NV वाला मेथड अगर ये यूज कर रहे हो तो इस टाइम पे आप नेट प्रोसीड्स पता है किसको लोगे? किसको लोगे? 100 रुपए माइनस 2% ऑफ 100 रुपए। समझ में आ गया? हाँ जी अमित भाई समझ में आ गया, परफेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये एकदम डिबेंचर की तरह होता है। उसके बाद गाइस IRR मेथड अपन ने कैपिटल बजटिंग में बहुत प्यारे तरीके से देखा था। मैंने बोला क्या सर ईयर 0 पे आप पता कर लो आपकी कैश की आउटफ्लो कितनी है, पता कर लिया। ईयर बाकी ईयर्स में पता कर लो सर आपका इनफ्लो कितना है, पता कर लिया। हाँ जी अमित भाई पता कर लिया, बस कुछ नहीं करना। आप कोई भी दो रेट मान लो, जैसे मान लो मैंने 10% मानी 15% मानी, उन दोनों पे आप NPV निकाल के आ जाओ। निकाल दिया, हाँ अब IRR कैसे निकलेगा? सर IRR निकलेगा पहले छोटी वाली रेट लिख दो, 10% लिख दिया अमित भाई। NPV एट स्मॉलर रेट मान लो जो आपने 10% यूज करके NPV निकाला था वो लिखो, डिवाइडेड बाय NPV एट स्मॉलर रेट माइनस NPV एट हायर रेट। छोटे मैं बोलता हूँ सर पहले छोटी रेट लिख दी, हाँ फिर छोटे भैया का टोटल डिवाइडेड बाय छोटे माइनस बड़े भैया का टोटल, और यहाँ पे बड़े और छोटे रेट का डिफरेंसेस इनटू मल्टीप्लाई का साइन है, बस बात खत्म, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं। इक्विटी सर इक्विटी 2-3 तरीके से निकलेगी, देख लो। अगर आपका गॉर्डन भैया का तरीका यूज कर रहे हो तो गॉर्डन भैया बोलते हैं सर D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय KE माइनस G, बता दो कोई पंगा? कोई पंगा नहीं। अगर आप वॉल्टर भैया को यूज कर रहे हो तो वॉल्टर भैया का फॉर्मूला मैंने तोड़ के बनाया था, डिविडेंड बाय KE प्लस आपका
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू एक्चुअल रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करनी है यहाँ पे, रिटेंशन रेशियो का आर नहीं, समझ गए, रिटेंशन रेशियो को जो बी यूज करते हो, बी नहीं, एक्चुअल रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय के होल का स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला चिपका किया जो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। सीएपीएम का एक ही फॉर्मूला, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ। क्या बोलते हो, आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट, बीटा होता है हमारा रिस्क, आर एम माइनस आर एफ मार्केट रिस्क प्रीमियम देता है। कभी आपको मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल दे मतलब आर एम माइनस आर एफ दिया हुआ है, बे मतलब खुद से फिर से उसमें से आर एफ माइनस मत करने लग जाना, डन? हाँ जी अमित भाई, डन। अब एक और तरीका भी होता है जो बोलता है अमित भाई के ई का सबसे घटिया तरीका है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना अवेलेबल हो तब इसको यूज करना। क्या यूज करना, के इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई पीई रेशियो, बस ये आप लास्ट में यूज करके आ जाओगे, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन जब भी यहां पे निकालेंगे तो क्या करेंगे अमित भाई, वेटेड एवरेज में कुछ नहीं लिखो, टाइप ऑफ कैपिटल उसका अमाउंट, ठीक है, फिर निकाल दो वेट्स, कैसे, अमाउंट डिवाइडेड बाय वेट, अमाउंट डिवाइडेड बाय वेट, अमाउंट डिवाइडेड बाय वेट, कर दिया काम खत्म हो गया, बस आपकी कॉस्ट यहां पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इसको देखो अच्छे से समझो, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी वेट निकालने बोल सकता है, बुक वैल्यू के भी बेसिस पे, कभी भी अगर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे बोले तो याद रखना सर इक्विटी की तो मार्केट वैल्यू होती है, कभी भी रिटेन्ड अर्निंग्स की मार्केट वैल्यू नहीं होती। तो दो तरीके से कर सकते हैं, कैसा सर, या तो अगर मार्केट वैल्यू तरीके से निकालने बोल रहा है तो रिटेन्ड अर्निंग्स को भूल जाओ, इग्नोर कर दो, या फिर आप क्या करो, मान लो आपका इक्विटी है और रिटेन्ड अर्निंग्स है, बोलता है सर इक्विटी की बुक वैल्यू थी 8 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रिटेन्ड अर्निंग्स की, और सर इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकल के आई है 20 लाख रुपए, तो पता है क्या करेंगे, क्या इस 20 रुपए को 8:10 के रेशियो में बांट देंगे, काम खत्म हो जाएगा, मतलब इक्विटी की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 16 रुपए और रिटेन्ड अर्निंग्स की 4 रुपए, बस अब मल्टीप्लाई करके अपनी कॉस्ट निकाल के आ सकते हो, डन अमित भाई, डन। और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको बोलते हैं अमित भाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो आपने नया कैपिटल रेज किया ना, सिर्फ उसका उसका आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, पुराने कैपिटल को छोड़ दो, डन। उसके बाद डिविडेंड का एमएम अप्रोच, आज की सुपर 30 की क्लास में मैं इसका क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो गाइस प्लीज सुपर 30 की क्लास को अटेंड कर लेना, बहुत सिंपल टेक्निक है, डन अमित भाई। लास्ट ये फॉर्मूला कैश मैनेजमेंट का, अमित भाई इसमें क्या बोलता है, कैश मैनेजमेंट आपको एक ही टेक्निक बोलती है, क्या, कि सर ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना रखूं। जैसे याद करो पहले आपने कॉस्ट में कभी पढ़ा होगा ईओक्यू क्या होता है सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रूट अंडर 2AOC, मतलब आपको कितना रिक्वायर्ड है एनुअल क्वांटिटी इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, मतलब संभाल के रखने का कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सिमिलरली हम यहां पे भी करेंगे, सर ऑप्टिमम कैश बैलेंस क्या होता है, 2 into AOC, बस O की जगह T, मतलब रूट अंडर 2 into annual कैश रिक्वायरमेंट, आपको साल भर में कितना कैश चाहिए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट पर कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर की जगह पे अपन यूज करने वाले ट्रांजेक्शन कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट, या फिर यहाँ पे कभी कभी हैंडलिंग कॉस्ट भी आपको दे देगा, बस बात खत्म, डन। हाँ अमित भाई बताओ, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अपने पास नहीं आई है, परफेक्ट 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 परफेक्ट। इसके बाद डेटर्स मैनेजमेंट, अपन देखो डेटर्स मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन मैं आज करवाऊंगा, इसमें क्या होता है, बोलता है सर सुनो ना आपको सिर्फ एक चीज निकालनी है, मैंने फॉर्मेट बता रखा है, कितना आपकी कॉस्ट लगती है और कितना आपका पैसा बच जाता है, बस इस बेसिस पे ये फॉर्मेट मैंने आपको बना के दे दिया, आप आराम से, रुको रुको आगे भी है, आप आराम से इस फॉर्मेट के बेसिस पे सब कुछ कवर कर सकते हो, और क्वेश्चंस करने हो तो आज हम सुपर 30 करने वाले हैं, वो आप साथ में अटेंड कर लेना। लास्ट वर्किंग कैपिटल, गाइस वर्किंग कैपिटल का भी मैंने आपको, बोलता है सर RWFDC ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, सर सुनो ना RM की साइकिल कितने दिन तक होल्ड किया, वर्किंग कैपिटल कितने दिन तक होल्ड किया, फिनिश्ड गुड्स कितने दिन तक होल्ड किया, डेटर को कितने दिन डेटर ने हमारी पेमेंट नहीं करी, और क्रेडिटर को हमने कितने दिनों तक पेमेंट नहीं करी, सिंपल सिंपल उसका फॉर्मूला है 365 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर, अपन ने पढ़ रखा था। WIP को अगर डेज में निकालना है 365 डिवाइडेड बाय WIP का टर्नओवर, फिनिश्ड गुड्स को निकालना है 365 डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स का टर्नओवर, डन। हाँ जी अमन भाई, तो ये सारे प्यारे से फॉर्मूले अपने खत्म होते हैं, मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा जहां पे लोग हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा अमित भाई, जब भी अपन लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना
हमारे पास वैल्यू ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मेरे को बोलते हैं अमित भाई सुनो ना कैश कॉस्ट में क्या लूँ, टोटल बेसिस पे क्या लूँ। तो ये देख लो मैंने आपके लिए डब्बा बना के यहाँ भी छोड़ दिया है कि सर जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैश कॉस्ट में ले रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस डेप्रिसिएशन, फिनिश गुड्स सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे निकालने वाले हो, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आप निकाल के आने वाले हो। डन डन अमित भाई। और टोटल बेसिस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। सेल्स मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालेंगे, डेटर्स सेल्स पे वैल्यू करेंगे। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। फटाफट से अपन ने प्यारे तरीके से सारे फॉर्मूले कवर कर लिए। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एंजॉय करो, मजे करो, कोई भी टेंशन हो तो गाइज अपने अमित भाई को याद रखना। और आज शाम 7 बजे सुपर 30 क्वेश्चंस करने जरूर आ जाना मेरे साथ, ये सारे कंसेप्ट अपन साथ में कवर करने वाले हैं। ओके गाइज, तो आधे घंटे लगे और मैंने आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा दिए। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी टेंशन हो तो अपने अमन भाई को जरूर याद करना। ओके चलो बाय बाय।